फिर एक बार और करेंगे, ये भी सॉल्व होगा, उसके साथ में ये भी सॉल्व होगा। हो गया ना। और बस स्वागत आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लास्ट लेयर सॉल्व करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि ये दो लेयर तो सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट लेयर सॉल्व करना नहीं आता, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लास्ट लेयर सॉल्व करना नहीं आता। तो आपका लास्ट लेयर का सिचुएशन कोई सा भी हो, 3x3 रिविज का ये ट्यूटोरियल आप यूज कीजिए और लास्ट लेयर आपका भी सॉल्व हो जाएगा। इसको क्रॉस बनाएंगे, जैसे कि ये क्रॉस बनता है ना, ऐसे क्रॉस बना देंगे। अब क्रॉस बनते ही ये कॉर्नर सेट कर देंगे, मतलब इसमें दो ही एल्गोरिदम है, और ये क्रॉस बना देंगे और ये कॉर्नर सॉल्व कर देंगे। तो दो एल्गोरिदम से आप ये लास्ट लेयर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बन रहे आप शुरू से अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अभी हम लोग एक एल्गोरिदम लगाए जो कि अभी ये ऐसा हो गया, और वही एल्गोरिदम एक से दो बार और लगाएंगे तो हमारा क्रॉस भी रेडी हो जाएगा। और ये लाइन हो गया। लाइन बनने के बाद हम ऐसे करेंगे, ऐसे करने के बाद एक बार और यही एल्गोरिदम लगाएंगे तो हमारा क्रॉस बन जाएगा। और ये हमारा क्रॉस रेडी है। ये कॉर्नर को आपको नहीं देखना है, हमको सिर्फ क्रॉस बनाना है और ये सेंटर पॉइंट को मैच कराना है। कौन सा भी दो मैच होने के बाद हम एक बार बैक में करेंगे, एक बार बैक करेंगे और एक लेफ्ट में करेंगे, और एक एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये भी और ये भी दोनों सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग कॉर्नर सॉल्व कर लेंगे। और ये भी और ये भी सॉल्व हो गया, और दो तो पहले से सॉल्व था। रही बात हमारा कॉर्नर का, तो कॉर्नर ही बचा है। अभी मैं बोला दो एल्गोरिथम में, तो एक ये कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर सही नहीं है। देखो इसमें रेड है, यहाँ पे रेड नहीं है, और ये सही जगह पे है, लेकिन इसमें देखो ब्लू है, यहाँ पे ब्लू नहीं है, और ये भी सही नहीं है। इसमें ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम लगाएंगे जो कि ये तीनों कॉर्नर सही जगह पे हो जाएगा। एक तो हमारा सही जगह पे है, अभी ये तो सही जगह पे था, ये सही है। और अभी इसको देख लो आप, अभी भी नहीं आया, ब्लू है यहाँ पे, तो ब्लू है लेकिन ऑरेंज है, ऑरेंज यहाँ पे नहीं है। तो सेम पोजीशन में सेम एल्गोरिथम लगाएंगे, ये हमारे सामने रहने चाहिए फ्रंट में और राइट साइड में। और अभी आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल सही जगह पे आ गया है, कलर भी मैच हो रहा है, और एक पीस आपका सॉल्व हो चुका है और ये भी सही जगह पे आ गया है। तो हम इसको टाइम नहीं बर्बाद करके इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर देंगे। जो सॉल्व है वो राइट साइड में जाएगा, जो सॉल्व नहीं है या तो चारों सही जगह पे है सॉल्व नहीं है तो परवाह नहीं, या तो दो सॉल्व हो गया है तो भी परवाह नहीं है। हम इसको ये राइट में लाएंगे जो सही प्लेस में है, बस सही तरीके से सेट नहीं हुआ है। तो हम इसको ये एल्गोरिथम यूज करेंगे और ये क्यूब सॉल्व हो जाएगा, और जब तक करना है जब तक क्यूब सॉल्व नहीं हो जाता। और ध्यान से करना है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे सेम करना है। और ये क्यूब सॉल्व होने के बाद हमको क्या करना है, क्यूब को नहीं घुमाना है, ये टॉप लेयर को एक बार ऐसे घुमा लेना है और फिर से वही एल्गोरिथम लगाना है। इसको आपको इग्नोर करना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये दो फोकस करना है। एक एक तो हो गया, और एक ये है और एक ये है, ये दोनों को फोकस करना है, और आप बाकी का आपको कुछ भी नहीं देखना है। एक बार डाउन जाएगा ये इधर आएगा, ऊपर जाएगा ये रिटर्न आएगा, बस इतना ही करना है। और जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, सॉल्व हो गया, ये भी रिटर्न आ गया। फिर एक बार और करेंगे, ये भी सॉल्व होगा, उसके साथ में ये भी सॉल्व होगा। हो गया ना।
और बस ये बिगनर ट्यूटोरियल है, आपका कौन सा भी सिचुएशन आ रहा है लास्ट लेयर में ये वीडियो फुल वॉच कीजिए, 100% आपका भी क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में मेरे को प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका सोल्यूशन पे भी वीडियो बना दूंगा।